हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। वंस अगेन आपके ही पहचान के सर सिद्धांत सर वापस आ गए हैं एक बहुत ही प्यारा सा इंफॉर्मेटिव सीरीज जो आप लोग के लिए चल रही थी, दैट इज विजडम वेनेसडे। इसके लिए हमने हमेशा कोशिश करी है कि आप लोगों को कुछ ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देने थ्रू दिस सीरीज, ताकि आप लोगों की लाइफ में नॉलेज एनरिच होता चले। इसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आज डेली लाइफ में हम सब लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट व्हाट्सएप। भाई व्हाट्सएप तो भाई हर इंसान की जीवन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना देख लें कि व्हाट्सएप में होने वाली चैट को हम एज एविडेंस कोर्ट में एडमिसेबल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सो प्लीज गाइज स्टे ऑन दिस वीडियो टिल दी एंड। As we guys know कि हम admissibility of evidence बोल रहे हैं कोर्ट में, तो उसके लिए मुझे एविडेंस एक्ट के बारे में तो पता होना बहुत जरूरी है ना। बट पूरा एक्ट में यहां समझाने नहीं बैठा हूं, वो आपके लिए अभी शायद मे बी इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि सर अगर हमें कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कोर्ट में प्रेजेंट करना पड़ेगा तो हम कैसे कर सकते हैं। भाई ये एक एक्ट जो प्रोवाइडेड है हर प्रकार के एविडेंसेस को कवर करता है, रिलेटेड इससे कुछ रूल्स रेगुलेशन है जो इनकी एडमिसिबिलिटी के बारे में बताते हैं। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है, सेक्शन 62, 63 एंड 65 बी, कि क्या मैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राइमरी एविडेंस के तौर पे प्रेजेंट कर रहा हूं वो क्या होता है, क्या वो सेकेंडरी एविडेंस है वो भी क्या होता है, या मेरे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की एडमिसिबिलिटी है या नहीं है, कहां प्रोवाइड किया है, ये इन तीन सेक्शन में प्रोवाइड किया गया है। आप लोग को एक चीज ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी सेशन के दौरान कि सिंस हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। वो इस सेशन का पार्ट नहीं है, वो मे भी शायद आपको कभी और पता चलेगा, बट हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को भी ध्यान रखते हुए ही अपने एविडेंस प्रेजेंट करने, क्योंकि रिकॉर्ड कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ई फॉर्म में, तो भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की भी एप्लीकेबिलिटी यहां आ जाएगी। चलिए तो प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, किसी भी क्राइम सीन पे जो भी गड़बड़ी हुई है उसमें सबसे पहली फुर्सत में जो फोटो क्लिक कर ली गई या वीडियो रिकॉर्ड कर लिया गया या कोई भी डॉक्यूमेंट बना लिया गया वो कुछ नहीं होगा, वो प्राइमरी एविडेंस होगा एंड दैट डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के सामने वो डॉक्यूमेंट में क्लियरली प्रेजेंट कर सकता हूं, वो प्राइमरी एविडेंस है, उसकी एडमिसिबिलिटी तभी ओके हो जाती है क्योंकि भाई यही तो है जिसके बेसिस पे मैंने सामने वाले पे केस फाइल किया है और यही एविडेंस है मेरे पास कि मैं उसको गिल्टी प्रूफ कर सकता हूं। डॉक्यूमेंट कैन बी एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट। भाई अगर मैंने आपके साथ एक रेंट अग्रीमेंट बना लिया तो आप भी तो चाहोगे कि आपके पास एक ओरिजिनल कॉपी बनी रहे, तो हमने तभी उसके दो पार्ट मींस काउंटर पार्ट बना लिए, एक ओरिजिनल कॉपी मेरे पास है एक ओरिजिनल कॉपी आपके पास है, हम दोनों ने उसको साइन कर दिया गया है, तो भाई ये हम दोनों के लिए फिर ये एक एविडेंशियल प्रूफ बन जाएगा। आई होप आप सब लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। As we have seen primary evidence now, अब हम देखेंगे secondary evidence, मतलब जो शायद मेरे primary evidence की कोई ना कोई एक copy होगी, मतलब हर बार कोई भी एक copy मेरे primary evidence का अगर मैं court में present करता हूं तो वो माना जाएगा secondary evidence, तो it has to be the very first thing, हर बार secondary evidence को certified copies के through ही दिया जाएगा, ये provisions एविडेंस एक्ट 1872 में प्रोवाइड कर दिए गए। क्या ये एविडेंस ओरिजिनल कॉपी के ही बनाए गए, मतलब इट इज बाय सम मैकेनिकल प्रोसेस मींस कोई फोटोकॉपी के थ्रू बनाए गए, या फिर उनकी फोटो रीक्लिक करी गई है, या इसकी एक और कॉपी पेन ड्राइव में कोर्ट में प्रेजेंट करी गई है, ओरिजिनल शायद मेरे कंप्यूटर में पर मैंने पेन ड्राइव से प्रेजेंट कर दी उसका कॉपी लेके, तो ये सब सेकेंडरी एविडेंस कहलाए जाएंगे। इनके अगर काउंटर पार्ट मतलब ओरिजिनल अग्रीमेंट की फोटोकॉपी में करा लेता हूं जैसा कि आप यहां देख रहे होंगे तो ये सेकेंडरी एविडेंस बन जाएगा। सर यहां तक तो मैं समझ आ गया प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस क्या होगा, बट वॉट
वॉट इज इंपॉर्टेंट इज दी एडमिसिबिलिटी, क्या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को मैं प्रेजेंट कर सकता हूं? हाँ भाई आप कर सकते हो, सेक्शन 65B ये चीज प्रोवाइड करता है। बट इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। वो किसको देना पड़ेगा, कौन सी कंडीशन से कौन सर्टिफिकेट बना के देगा, वो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए आपकी एक व्हाट्सएप की चैट है जिसमें सामने वाले ने आपके साथ कोई एक ट्रांजैक्शन किया था और आपने उस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया, आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया। अब आप उस चैट को कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हो। लास्ट ईयर मींस 2020 में भाई ये चीज सुप्रीम कोर्ट के सामने गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि यार इसको एडमिसिबल हम नहीं कर सकते, बट सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर इसको शायद हम कंसिडर कर सकते हैं। यही चीज यहां पर भी है कि एनी इंफॉर्मेशन विच इज कंटेन्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, अब वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, डीवीडी हो, पेन ड्राइव हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड हो, हम इसको कंसिडर करेंगे, बट विल बी कंसिडर्ड एज अ सेकेंडरी एविडेंस। पर एडमिसिबल तभी होगा जब एक सर्टिफिकेट कोई भी वो इंडिविजुअल इंसान प्रोवाइड करेगा। अब ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कौन कर सकता है, भाई अगर मेरे फोन में मेरी चैट्स हैं और मैं ही केस फाइल कर रहा हूं या मेरे अगेंस्ट केस फाइल हुआ है, तो मैं उस चैट के लिए एक सर्टिफिकेट बना के दे दूंगा कि ये मेरा ही फोन था, ये चैट मैंने ही की है, मेरे ही कंसेंट से हुई है और सामने वाले ने मेरे साथ गलत किया है अंडर माई सर्टिफिकेट, तो आई कैन गिव इट। या फिर कोई एक अथॉरिटेटिव ऑफिसर भी ये चीज कर सकता है, बट उसको अथॉरिटी होना बहुत जरूरी है। तो कोई भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल पर्सन, ऑफिशियल पोजीशन का जो आदमी होगा वो ये चीज कर सकता है इन रिलेशन टू द ऑपरेशन ऑफ द रिलेवेंट डिवाइस। तो डिवाइस मेरा है तो भाई मेरा सर्टिफिकेट भी इसके लिए वैलिड हो सकता है। वो कंडीशंस कौन सी है, दीज आर फोर इंपॉर्टेंट कंडीशंस व्हिच नीड्स टू बी फुलफिल्ड। फर्स्ट, अगर आपने कोई भी सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रेजेंट किया है तो वो किस पर्टिकुलर डिवाइस का है, वो रेगुलर यूज में होना चाहिए। मतलब जैसे कि मेरा फोन है, ये फोन आए दिन मैं यूज कर रहा हूं, रेगुलर यूज में होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई ये फोन में मैंने वो एविडेंस डाला और ये फोन प्रेजेंट कर दिया, नहीं, इसी फोन से शायद वो चैटिंग वगैरह हुई होगी और मैंने उसका बैकअप लेके रख लिया है। इंफॉर्मेशन इज रेगुलरली एंड ऑर्डिनरली बीइंग यूज्ड इन सच एक्टिविटी, मतलब मैंने कोई नया फोन खरीदा, नए फोन में मैंने एविडेंस डाला और वो प्रेजेंट कर दिया, नहीं भाई, रेगुलर यूज में था और ऑर्डिनरली भी डेली यूज वो हो रहा था और इसी पर्पस के लिए मैंने सामने कोर्ट में उसको प्रेजेंट कर दिया विथ दैट प्रूफ ऑफ माय चार्ट का प्रिंट। द डिवाइस मस्ट हैव बीन फंक्शनिंग प्रॉपरली, भाई किसी ने उसको लेके उसके साथ कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश तो नहीं करी, क्या पुलिस के पास हो गया तो पुलिस ने उसमें कोई चेंजेस तो नहीं करे, नहीं भाई, भाई ये फंक्शनिंग प्रॉपरली हो रहा था, चल रहा था, ऐसा नहीं कि मैंने कहा प्रेजेंट किया बंद हो गया। क्या मैंने उसमें कोई ऐसा लॉक लगा दिया था, अक्सर आजकल करते हैं सेलफोन में हमने लॉक लगा देते जो भाई मुझे ही पता रहता, आजकल तो वो फिंगरप्रिंट भी आ गया भाई, स्कैन करके लग गया, तो भाई ये सारी चीजें उसमें से आपको हटा देनी पड़ेगी सो दैट दे कैन मेक यूज आउट ऑफ इट। एंड द डुप्लीकेट कॉपी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट मस्ट बी सेम एज द ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मतलब अगर सेकेंडरी एविडेंस दिया है और साथ में फोन दिया आपने तो भाई दोनों मैच करने चाहिए, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड है, कोई भी कुछ भी चेंजेस कर सकता है, ये अलाउड नहीं है। तो भाई इसीलिए कंक्लूजन क्या हुआ कि व्हाट्सएप को एज अ सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल कोर्ट में करा जा सकता है, बट 65B के अंदर एक सर्टिफिकेट देना जरूरी है। आई होप आप सब लोगों को मजा आया होगा इस सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन टिल द एंड। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।